हाय एवरीवन, मेरा चैनल देसी फूड प्रेम में आपका स्वागत है। मैं अभी होली का समय है, आप बहुत सारा आपका घर में पकवान बनता ही होगा, उसके साथ देखिए मैं आज अलग ही तरह का एक आपको मुड़कू बनाना बताऊंगी। यह साउथ डिश है पर आप कभी भी बना के खा सकते हैं, पर होली में बना देने से देखिए मीठा के साथ नमकीन भी जरूरी है। ये नमकीन रहता है तो बच्चे लोग भी खाते हैं, घर का सभी सदस्य को अच्छा लगता है। इस तरह से बहुत ईजी प्रोसेस से मैं मुड़कू आज बनाना बताऊंगी। मुरकू बनाने के लिए मैं एक कटोरी बेसन ले ली हूँ, उसी के साथ देखिए मैं चावल का आटा, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है मुरकू में। जब एक कटोरी मैं बेसन ली, उसी का हाफ मैं चावल का आटा ले ली हूँ। अब दोनों को मैं छान लूंगी ताकि कोई भी लम्स हो वो आपका ऊपर ही रह जाए छलनी के ऊपर। इस देखिए कोई इस तरह से छलनी ले लीजिएगा, उसमें देखिए मैं बेसन डाल दी, तो अच्छे से छान लीजिएगा, कोई भी लम्स रहे वो निकल जाए। इस तरह से देखिए मैं बेसन को पूरा अच्छे से छान ले रही हूँ। इस तरह से देखिए मैं छानी तो उसमें लम्स रह गया, ये खराब लगेगा इसीलिए इसको मैं अलग से फेंक देती हूँ। उसी तरह देखिए जो चावल काटा ली थी हाफ कटोरी, वो भी मैं छान लेती हूँ। देखिए जो भी एक्स्ट्रा गंदगी रहता है ऊपर रह जाता है, आज इसको मैं फेंक दूंगी। उसी के साथ देखिए मैं एक चुटकी मीठा सोडा डाल देती हूँ, बेकिंग पाउडर, इससे आपको बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। उसी के साथ देखिए अजवाइन, इसका कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छा लगता है। एक चुटकी में देखिए अजवाइन भी डाल दे रही हूँ। उसी के साथ देखिए थोड़ा सा तीखा नमकीन रहे, उसके साथ देखिए मैं लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच डाल देती हूँ इसमें। देखिए हाफ स्पून में गोल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं। उसी के साथ देखिए मैं नमक डाल दूंगी अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। देखिए हाफ स्पून में नमक डाल दे रही हूँ। अब सारे को अच्छे से मैं चम्मच से मिला लूंगी, अब सारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए, ताकि जो भी रहे सब जगह मेरा इक्वली चला जाए। देखिए सारे को अच्छे से मिक्स कर लिए, देखिए मेरा मुड़कू पूरा कुड़मुड़ा रहा है, उसके लिए मैं देखिए ऑयल डालूंगी। इसमें इतना ऑयल डालेंगे ताकि ये पूरा मुट्ठी बन जाए और अच्छे से इसको मसलेंगे। अगर आपको कम लगे तो और भी ऑयल डाल सकते हैं इसमें। देखिए इतना मिलाने में करीब हमको हाफ कप ऑयल इसमें लग गया है। इसको इतना अच्छे से मिलाना है कि पूरा तेल से पूरा एकदम देखिए मिल के आपको मुट्ठी बन जाए। देखिए कितना आराम से मुट्ठी बन जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब इसको मैं अच्छे से गूथूंगी, हल्का वार्म वाटर ही लीजिएगा इसको गूथने के लिए। देखिए हल्का गुनगुना पानी से मैं इसको अभी गूथूंगी, थोड़ा सा गड्ढा कर लेती हूँ, एकदम टाइट डो तैयार करना है, इसको गीला ना करें। इस तरह से देखिए मैं टाइट डो तैयार कर ली, देखिए तैयार कर ली मैं टाइट डो। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि पूरा सेट हो जाए मेरा डो। इस तरह से देखिए मैं ढक्कन लगा के 10 मिनट रहने के लिए रख देती हूँ। देखिए 10 मिनट रेस्ट किए हो गया मेरा, देखिए और आराम से अभी देखिए ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि आपको सेट हो गया इसमें चावल और जो आप बेसन मिलाए हैं। चिकना प्लास्टिक रख ली हूँ ताकि इजिली से मेरा मुड़कू निकल जाए। डायरेक्ट तेल में डालिएगा तो आपको टूट भी जाता है, इसलिए मैं पहले बना लूंगी फिर तेल में तलूंगी। इस तरह से देखिए साचा को मैं डाल ली मैं, इस तरह से देखिए इस तरह से साचा मिलता है बहुत सारा, इसमें देखिए इस तरह से डिजाइन रहता है, वही डिजाइन से मैं आपको आज मुड़कू बनाना बताऊंगी। कोई भी एक डिजाइन ले लीजिए, देखिए मैं इस तरह का डिजाइन का मैं बनाऊंगी। इसको डाल दीजिए अंदर में, अब इसमें पूरा तेल, अब इसमें चारों तरफ ग्रीस कर दीजिए तेल से पूरा। इस तरह से देखिए मैं साचा में पूरा ग्रीस कर देती हूँ तेल से, देखिए ताकि मेरा चिपके ना। अब इस तरह से
इस तरह से आप अपना डो को लीजिए और इसमें भर दीजिए पूरा अच्छे से, इसी के साथ इसको दबा लीजिएगा और आराम से। पहले आप तेल में डायरेक्ट ना डालें, नहीं तो आपको टूटने का डर रहेगा और छीटा भी मारेगा। पहले आप एक जगह सारा को बना लीजिए, फिर मैं तलने का प्रोसेस में जाऊंगी। डो को अब इजली से मैं देखिए गिराऊंगी, आप कितना इजीली गिरेगा आप देख लीजिए। अगर ज़्यादा टाइट डो हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा पानी दे के छीटा मार के गीला कर ले। देखिए आप उसके बाद जितना साइज का चाहिए बना के इसको देखिए इस तरह से कटिंग करके छोड़ दीजिएगा। इस तरह से सारा मुड़को को मैं बना लूँगी। देखिए इस तरह से कटिंग करके फिर इसे छोड़ दीजिए। इस तरह से सारा मैं साइड में ही बना लेती हूँ। देखिए मैं एक डिजाइन ये बताई आपके साचा में, अगर और भी डिजाइन है तो देखिए मैं एक डिजाइन आपको ये वाला भी डाल के बता दे रही हूँ। इस तरह से डाल ली और उसको थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लीजिएगा। देखिए तेल से ग्रीस कर ली मैं। अब डो लेंगे इसमें डाल देंगे। देखिए पूरे अच्छे से भर लीजिएगा ताकि पूरा दबाने से पूरा अच्छे से गिरे। देखिए अब मैं इसको लेके, अब देखिए देखिए कितना इजीली से गिरेगा आपको मैं बता रही हूँ। देखिए ये भी एक डिजाइन हो गया, देखिए कितना इजी से गिर गया। अब एक और मैं इस तरह से बना के दिखा दूंगी या इसी प्रोसेस से आप सारा को बना लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा से आपको गिर जाता है इस तरह से काट के सारा प्रोसेस जब बना देखिए। लीजिए मैं किसी प्लास्टिक पर तरह। पूरा मुड़को बना दी एक साइज का ही, और आपको जो डिजाइन का चाहिए आप उस तरह से बना लीजिए। मैं ये सब डिजाइन बनाई हूँ और देखिए इसीलिए प्लास्टिक पर की हूँ ताकि इजिली से देखिए आपको निकल जाएगा। देखिए मैं आराम से देखिए इस तरह से निकाल के इस तरह से देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा ली, पूरा ऑयल को गर्म कर इसमें तेल पूरा अच्छे से डालिएगा पूरा डूबने भर। इस तरह देखिए शुरू में मैं हाइट में रखी हूँ ताकि आपको इजी हो। देखिए अभी एक एक करके मैं पूरा डालूंगी अब इस तरह से। देखिए एक एक स्ट्रिप में जितना आ जाएगा उतना एक स्ट्रिप में डाल दूंगी। देखिए और उसके बाद मैं हाई हीट पे रखी थी, अब मैं मीडियम हीट कर दूंगी ताकि अंदर तक मेरा सीख जाए पूरा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तलूंगी इसको। इसको आपको सीखने में 2 से 3 मिनट लग जाएगा। देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, पूरा ब्राउन होने तक आप इसको तलिएगा। तो मैं अब एक एक करके निकाल लूंगी। देखिए एक्स्ट्रा ऑयल के लिए आप इस तरह से झंझरा लीजिएगा, उसमें इस तरह छोड़ दीजिएगा। अब मैं दूसरा क्लिप आपको तल के दिखा रही हूँ। अब शुरू में हाई हीट पर ही रखिएगा। एक ट्रिप में जितना आएगा मैं उतना तल देती हूँ। बहुत ही कम समय में आपको बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से देखिए मैं मेरा दूसरा ट्रिप भी हो गया है, पूरा अच्छा गोल्डन ब्राउन कीजिएगा एकदम। देखिए तभी आपको कुरमुरा बनेगा एकदम। इस तरह से निकाल के शावर के लिए आप इस तरह से रख लीजिएगा, थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा कीजिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। देखिए अच्छे से निकल गया मेरा इस तरह से। देखिए मैं इसी प्रोसेस से सारा को अब बना लेंगे। मैं देखिए उतना मटेरियल से मेरा लगभग 15 से 20 मुड़कू बन गया, और कितना कुरमुरा है मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए
ये आपको महीना भर रख के खा सकते हैं, ये इतना टेस्टी लगता है और आपको खराब नहीं होता है जल्दी। आपको और कोई सामान बनाएगा जल्दी खराब हो जाता है, पर आपको इसमें महीना भर भी खाइएगा उसके बाद भी वो टेस्ट आपको ऐसे ही बरकरार बना रहता है। इस तरह से आप उतना मटेरियल से इतना जल्दी भी बन जाता है। इस तरह से आप भी अपना घर में बनाइए और अपना अनुभव हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिए। इस तरह से वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।